क्या आपने भी ये नोटिस किया कि आपकी गाड़ी की एवरेज थोड़ी कम हो गई है? इसके पीछे एक रीजन है, क्लिकबेट। सच्ची सुनना, रिसेंटली इंडिया ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव किया है। मतलब पेट्रोल पंप पर अब रेगुलर नहीं बल्कि E10 पेट्रोल ही मिलता है। 2025 तक इसे E20 तक ले जाने का टारगेट है। इथेनॉल मिलाने से सरकार को दो फायदे हैं। इंडिया 85% पेट्रोल इंपोर्ट करता है जिसमें खर्च होता है फॉरेन रिजर्व। इस मिलावट से सरकार 30,000 करोड़ रुपए सालाना बचा रही है। और दूसरा, इथेनॉल की प्राइस है 61, वहीं पेट्रोल की है 100 से भी ऊपर, तो ऑन एन एवरेज सरकार को पेट्रोल सस्ता पड़ रहा है। ये तो फायदे की बात हुई ना। हाँ, सरकार को तो फायदा ही फायदा है। और ये भी बात सच है कि इथेनॉल से फॉरेन रिजर्व बचता है, इवन पॉल्यूशन भी कम होता है। लेकिन E10 पेट्रोल से व्हीकल की माइलेज हो जाती है 5-7% कम, E20 में हो जाएगी 10-15% कम। मतलब E10 पेट्रोल की प्राइस में कोई डिस्काउंट नहीं है, ऊपर से एवरेज भी कम आता है। अरे ये तो चीटिंग हुई। एंडी, वहां सीमा पे जवान लड़ रहे हैं और तू देश के लिए इतना नहीं कर सकता। सॉरी सर। जय हिंद।